जी हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू वेलकम इन द क्लास। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब अच्छे से ये क्लास कर रहे हैं। और ये जो बुक है, जैसे मैंने बताया था, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, कमिंग बैक यानी पुनरागमन। तो पुनरागमन में बताया जाता है कि मतलब री इंकारनेशन यानी पुनर्जन्म वगैरह होता है या नहीं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, आमुख और ये। तो आमुख में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अमरत्व है वो होता है कि नहीं, या होता है तो क्या होता है। तो पूरी दुनिया से यानी पूरे यूनिवर्स से जो मेन मेन स्कॉलर हैं या फिलोसोफर हैं या बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके व्यूज हमने सुने। तो उसमें ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि पुनर्जन्म यानी री इंकारनेशन होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि होता है। और हम लोगों ने देखा कि अमेरिकन थे, रशियन थे, इटालियन थे, साउथ अफ्रीकन थे, जर्मन थे, इन सभी लोगों का ये विचार था कि मृत्यु के बाद कोई ना कोई लाइफ जरूर होती है। लेकिन उनको क्लियर नहीं था कि देहांतरण क्या होता है, आत्मा क्या होती है, एंड पुनर्जन्म किस बेसिस पर होता है, ऑल दैट, ठीक है ना। तो सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन है और सब लोग यही फिलोसफी में बता रहा था कि कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, है ना, और कोई भी नहीं चाहता उसके बाल सफेद हो। सब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में इंजॉय करें, है ना। लेकिन हम देखते हैं हम अपने आसपास कि लाइफ में जो है वो मृत्यु होती है ना। जीवन का कर्म क्रम चलता ही है, जन्म होती है, जन्म होने के बाद किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था के साथ वृद्धावस्था आती है, फिर उसके बाद शरीर का भी देहांतरण होता है। लेकिन कोई चाहता नहीं है। तो सब लोग इस बात पे, थ्योरी पे, आमुख में ये बात तय हुई कि हम शरीर नहीं आत्मा है और ये ही लाइफ लाइफ नहीं है। तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में सर्वे करने पर पता चला कि 1.5 बिलियन लोग बिलीव करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन ज्यादातर तो लोग ये कहते हैं कि ये ही एक लाइफ होती है, इसलिए इंजॉय करो, खाओ पियो और मौज करो, नेक्स्ट लाइफ किसने देखी है, या मुक्ति होती है या पुनर्जन्म होता है तो किसने देखा है। ऐसे करके कई लोग ये इस थ्योरी पर भी बिलीव करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो इस बुक में जो हमें मेन पुनरागमन के कुछ सिद्धांतों के बारे में सीखना को देखने को मिलेगा, और वो बिल्कुल साइंटिफिक से बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी की मन से या किसी मन की थ्योरी है, बल्कि हम उसको साइंटिफिकली भी उसको समझाएंगे इस बुक में, जिसमें कई चीजों के बारे में जैसे बताया जाएगा कि जो लिविंग बीइंग है वो जब शरीर त्याग होता है तो क्या इस शरीर के त्याग होते ही पुनर्जन्म होता है, या मनुष्य जन्म से लोग पशु जन्म में जाते हैं, या पशु योनि से मनुष्य योनि में आने का क्या क्रम है ना। और क्या हम अपने फ्यूचर में जो पुनर्जन्म होने वाला है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या क्या रीबॉर्न होता है, तो हम किसी इसी प्लैनेट में रहते हैं या यूनिवर्स में रहते हैं, किसी और प्लैनेट में होते हैं तो यूनिवर्स में क्या और भी प्लैनेट्स हैं, तो नेक्स्ट बॉडी का जो डिटर्मिनेशन है क्या वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो इन सब प्रश्नों के संपूर्ण उत्तर जो है इस बुक में देने की कोशिश की जाएगी, वो भी साइंटिफिक तरीके से। फिर इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि चेतना का रहस्य, कि चेतना का रहस्य क्या है, कि चेतना है क्या, या जैसे कि हमने देखा कि साइंटिस्ट जितने भी हैं पूरी दुनिया में उन चीजों पर मानते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण पर वो बिलीव रखते हैं कि जो चीजें दिखाई देती हैं, जिनको वो लेबोरेटरी लेबोरेटरी में प्रयोग कर सकते हैं, वो चीजें होती हैं और उसके बारे में वो मानते हैं। और जो चीजें नहीं कर सकते लेबोरेटरी वगैरह में प्रयोग, तो वो सोचते हैं कि ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन ऐसा नहीं है, कई चीजें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमारे पास अभी ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं है कि हम उनको जांच सके या कर सके। तो लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या वायु दिखाई नहीं देती तो एग्जिस्ट नहीं करता, वायु एग्जिस्ट करता है। और जैसे कि देखते हैं कि आत्मा,
एटम जो है हम सोचते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स का साइंटिस्ट कहते हैं सबसे छोटा एलिमेंट होता है, लेकिन इससे भी जो सूक्ष्म होता है वो होता है आत्मा। आत्मा इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे पास अभी तक किसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है कि उसको देख सके, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन होता है ना। तो ये तो आत्मा को हम कैसे पहचानते हैं, उसको पहचानते हैं चेतना के ऊपर, कॉन्शियसनेस के थ्रू हम पहचानते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो कॉन्शियसनेस होती है वो फिजिकल बॉडी में होती है। उसके बाद हमने देखा था आइंस्टाइन की थ्योरी, हमने देखी थी। आइंस्टाइन का भी ये बिलीव है कि मतलब ये जो इंटायर वर्ल्ड बना है ये जो है इसका कोई ना कोई मकसद है, और एक शरीर त्याग होने के बाद दूसरा रीबॉर्न होता है ना। तो हमने देखा था एल्बर्ट सेंट ग्रॉजली ने भी यही बात कही थी, थॉमस ने भी यही बात कही थी कि कॉन्शियसनेस होती है, रीबर्थ होता है। फिर उसके बाद हमने भगवद गीता के ऊपर चर्चा की थी कि भगवद गीता जो है, जो भगवान ने स्वयं बताया है, उसमें भी उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ नेचर होता है ना, और जीव का पुनर्जन्म होता है, और ये इसके कर्म पर बेस्ड है, लेकिन हम इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को रोक सकते हैं और अपने सही डेस्टिनेशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या है ये भी इसमें हम बताएंगे, इस बुक में बताया जाएगा। तो आज हम फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें हम पूरी दुनिया की अलग अलग फिलोसफी को देखेंगे कि वो री इंकार्नेशन के बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद हम भगवद गीता की फिलोसफी को देखेंगे। तो इन सब को देखने के बाद जब हम भगवद गीता की फिलोसफी को देखेंगे तो हमें अपने आप दिखाई देगा कि कितना पूर्ण ज्ञान है और कितना सही ज्ञान। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदामयं मिरान्ति सर्वप्रदान्तिकम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमिंग बैक, पुनरागमन ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदे हरे हरे। आप सभी को भक्तवृंद की जय। तो चार्चर पैराग्राफ या चार्चर पैराग्राफ का हम ढूंढ लें और सब लोग पढ़ें। ठीक है, तीनों लोग आप पढ़ लें। ओके, शुरू करते हैं जी। मिस यशिका शुरू करो। तो फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है पुनर्जन्म, सुकरात से सेलिंग लेटर। तो ये बड़े बड़े फिलोसोफर और साइंटिस्ट हैं, तो इन सब की आपको शॉर्ट में बताया जाए। ठीक है, शुरू करिए यशिका। हरे कृष्णा। हाँ शुरू करिए बेटा। आत्मा के लिए कभी भी ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना होता है और ना ही होगा। वह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला और पुरातन है। वह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? क्या हम इसके पहले भी थे? इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व के देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, जहाँ मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जाता रहा है, और जहाँ पुनर्जन्म की धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वमान्य है। जैसा कि 21वीं सदी के महान जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, यदि कोई एशियाई व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे तो मुझे यह उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ेगा, यह विश्व का वह खंड है जो इस अविश्वसनीय भ्रांति से ग्रस्त है कि मानव शून्य से सृजित हुआ, और ये है कि उसका वर्तमान जन्म जीवन में उसका प्रथम प्रवेश है। दरअसल भौतिक विज्ञान में जो पश्चिम की प्रमुख विचारधारा है, चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति के विषय में किसी भी गंभीर अथवा व्यापक रुचि का सदियों से दम घोटे रखा है, परंतु पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक रहे हैं जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना की अमलता को समझा और स्वीकार किया, तथा अनेक दार्शनिकों, लेखों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं ने इस परिकल्पना पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया है।
ठीक है, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा फिलोसफिकल है तो थोड़ा शायद पढ़ने में आपको गुल गुल लगे। तो इसमें श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता के हिसाब से तो आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं, तो मृत्यु होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ना। वो आज उसका कैसा नेचर होता है, वो अजन्मा होता है और शाश्वत होता है, और ये पुरातन है मतलब हमेशा से है, और शरीर के समाप्त हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं। भगवत गीता के दूसरे 2.20 में ये बताया गया, लेकिन श्री प्रभुपाद यहाँ पे शुरुआत करते हैं और कहते हैं तो जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, मृत्यु के क्या क्या वो समाप्त हो जाता है या पहले से है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े गोल गोल हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद ने बताया कि पूर्व में यानी कि पूर्व के देशों के साथ जुड़ जाते तो मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म के पूर्ण तक बल्कि लाखों वर्ष पर्यंत भी माना, मतलब पूर्वी लोग यानी इंडिया वगैरह के जो लोग हैं, अगर इनसे पूछा जाए ये प्रश्न कि क्या जीवन है या जीवन के बाद क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ जीवन है, आत्मा है, लेकिन इसका हमेशा से अस्तित्व है, शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, और जो मृत्यु जो है वो आत्मा का अंत नहीं है, इस थ्योरी में बिलीव रखते हैं ये लोग। लेकिन जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े दार्शनिक है ऑथर शोपेनहावर, उनका यही कहना है कि यदि कोई एशियाई देशों में है ना पूछे कि एशियाई या यूरोप लोगों का अगर एक थोड़ा सा व्यू देखने की कोशिश की जाए तो क्या बोलेंगे, तो वो कहेंगे, वो कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि मानव का जो अस्तित्व है वो शून्य पर आधारित है ना, बिग बैंग थ्योरी, अपने आप प्रकट हुआ, एक विस्फोट हुआ उस पर प्रकट हो गया, वो इस चीज पर बिलीव करते हैं। और उनका ये है कि उनका जो वर्तमान जन्म जो है, अभी जो जन्म लिया है यही इनका पहला जन्म है, इसके पहले कोई जन्म नहीं है, उसके बाद कोई जन्म। तो ज्यादातर फिलोसफी यही है यूरोप कंट्रीज में और एशियाई देशों में, लेकिन इन लोगों के बड़े बड़े फिलोसफरों के मतों के बावजूद वहां पे भी बहुत से फिलोसफर है यूरोप में और एशियाई देशों में जो कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। समझ में आ रहा है, किसी देश में अगर कोई एक विचारधारा हो लेकिन फिर भी ये विचारधारा हो ये अपने आप में बड़ी बात रखती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बाई नेचर आत्मा है, तो अननेसेसरी जब ज्ञान हमारे ऊपर थोपा जाता है तो हम जानते नहीं है सही लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ गए मतलब। तो ऐसे ही कई फिलोसफर थे जो ये बातें नहीं करते थे, और आत्मा के जो अस्तित्व का जो सिद्धांत है आत्मा के देहांतरण से मानते। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूनान में प्राचीन यूनानी जो थे वो लोग क्या बिलीव करते थे। तो हम सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे, सुकरात जो कि बहुत फेमस थे, हम बाकी भी सारे ग्रीक का पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और रिलीजन में इस पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा गया। ठीक है, जी वाले तो ग्रीक में हम आते हैं, यूनान। यस यस सर। प्राचीन यूनान, प्राचीन यूनानियों में सुकरात, सोक्रेट्स, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना उनमें से की जा सकती है। उन्होंने पुनर्जन्म को अपनी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाया। जीवन की अंतिम घड़ी में सुकरात ने कहा, मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है और यह कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है। पाइथागोरस ने दावा किया था कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद है, और प्लेटो ने अपनी प्रमुख रचनाओं में पुनर्जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में उसका मत था कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य के धरातल से विषयी इच्छा के कारण गिरता है और तब भौतिक देह धारण करता है। पहले पतित आत्माएं मानव रूपों में पैदा होती हैं, जिनमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ है जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है। यदि उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो दार्शनिक सनातन अस्तित्व को लौट सकता है, परंतु यदि वह भौतिक विषय वासनाओं में बुरी तरह फंस जाता है तो वह पशु योनियों में चला जाता है। प्लेटो का विश्वास था कि अभी
अति भोजी पेटू और शराबी मनुष्य भावी जीवनों में गधे बन सकते हैं। हिंसक और अन्यायी लोग भेड़ियों और गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं और सामाजिक मानवताओं के अंधानुगामी मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। कुछ समय के पश्चात आत्मा फिर मानव रूप धारण करता है और मुक्ति के लिए एक दूसरा अवसर पाता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्लेटो एवं अन्य प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पुनर्जन्म को अपना ज्ञान ओरिफिज्म जैसे रहस्यात्मक धर्मों अथवा भारत से प्राप्त किया है। तो आप देख रहे हैं कि जब मत भारत से नहीं प्राप्त किया जाता तब उनका मानना है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, यही एक जीवन है और इसके समाप्त हो जाने पर आगे कोई जीवन नहीं, जीवन शून्य से शुरू हुआ, शून्य पे खत्म। तो ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी क्या बिलीव करती है कि इसलिए खाओ पियो और मौज करो क्योंकि यही एक जीवन आपको मिला है। जबकि जिन लोगों ने भी सनातन भारत से या कभी भी भारत से के दार्शनिकों से इनका संबंध पड़ा तो यहाँ की थ्योरी जब भगवत गीता और श्रीमद भागवतम पढ़ने से ये इन्फ्लुएंस्ड हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद सोक्रेटिस जो है इतने बड़े सुकरात थे और प्लेटो जो है ग्रीक के हैं, ये लोग बहुत फेमस फिलोसोफर हैं, ये बिलीव करते हैं और ये बात क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एक्शन होता है ये हमारे जन्म को डिसाइड करता है। जैसे उन्होंने बता रहे हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा पेट है ये है तो ये जन्म हो सकता है, अगर किसको ये है तो ये जन्म हो सकता है। भगवद्गीता में भी यही बताया गया है ना कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण। अगर कोई तमोगुणी होता है तो निम्न लोकों को पशु योनियों को प्राप्त होता है, यदि कोई रजोगुणी होता है तो पृथ्वी लोकों में रहता है, और यदि कोई सत्वगुणी होता है तो वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई सनातन अस्तित्व के ज्ञान को पूर्ण जान ले तो वो अपने घर भगवत धाम वापस लौट सकता है, यही बताया गया ना भगवत गीता में। इन्हीं को सिंपल वर्ड में देखो यहाँ बताया गया है ना। तो इसीलिए लास्ट में बताया गया है कि ये लोग जो थे, इन लोगों को इन्होंने एक बुक लिखी थी ग्रीक में ऑर्फिम्स है ना, उस बुक में इन्होंने अपनी थ्योरीज बताई है और ये थ्योरी भारत से प्रभावित है। ठीक है जी माता, तो यानी प्राचीन ग्रीक में भारत के इस विचारधारा को इन लोगों ने माना कि जन्म होता है और यही जन्म सब जन्म नहीं है, हमारा पीछे भी जन्म था और आगे भी जन्म होगा, हमारे कर्म जो है हमारे जन्म को डिसाइड करते हैं। अगर हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाए, सनातन हो जाए, भक्ति की ओर हो जाए तो हम अपने जो रियल डेस्टिनेशन है उसको पा लें। ठीक है, ऑर्फिनिज्म इन्होंने जो बुक है ये लिखी थी। तो ये है हमारा कौन सा मत, ग्रीक का, यूनान का। ठीक है ना, अभी हम तीन लोगों के बारे पढ़ेंगे, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म क्या कहते हैं। ठीक है, यस अंबिका। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य रूप से पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। संपूर्ण कबाला यहूदियों की मौखिक परंपरा में अतीत और आगामी जीवनों के संबंध में सूचना मिलती है, जो अनेक हिब्रू विद्वानों के मतानुसार शास्त्रों में छिपा गुप्त ज्ञान है। जौहर ने जो कबाली के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, कहा गया है आत्मा को परम तत्व में खुले प्रवेश करना होगा जहाँ से उसका आविर्भाव हुआ है, परंतु ऐसा कर पाने के लिए उसे सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा जिनके बीज उनके भीतर बोए हुए हैं, और यदि उन्होंने की अवस्था इस जीवन में प्रार्थना की तो उन्हें दूसरा जीवन प्रारंभ करना होगा और तब तीसरा और इसी तरह आगे भी कर तक जब तक की वह स्थिति प्राप्त न कर ले तो उन्हें ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के योग्य बना दे। वैश्विक यहूदी जानते के अनुसार हसीदी यहूदियों का भी इसी प्रकार का विश्वास है। इसी की तीसरी सदी में ओरिजन नामक धर्मशास्त्री ने जो प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर के आचार्यों में से एक थे और बाइबल के अत्यंत निष्णात विद्वान से लिखा है, किसी पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ आत्माएं
शरीर में प्रवेश करती है। पहले मानव शरीर में और तब विवेकी वासनाओं के संपर्क के कारण मानव जीवन के लिए पश्चात वे पशुओं में बदल जाती है, जहाँ से वे वनस्पतियों के स्तर पर गिर जाती है। इस स्थिति से वे फिर उन्हीं क्रमिक स्तरों में से होती हुई उभरती है और अपने स्वर्गीय स्थान को पुनः प्राप्त होती है। बाइबल में ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ईसा मसीह और उनके अनुयायी पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। एक बार ईसा के शिष्यों ने ओल्ड टेस्टामेंट की इस भविष्यवाणी के विषय में पूछा कि एलियास पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगे। संत मैथ्यू के धर्मोपदेश में हम पढ़ते हैं और ईसा ने उनको उत्तर दिया, एलियास सचमुच पहले आएंगे और सभी वस्तुओं को पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे, परंतु मैं तुमको बताता हूँ कि एलियास पहले ही आ चुके हैं और तुम इसे नहीं जानते। तब शिष्यों की समझ में आया कि वे उनको बैप्टिस्ट जॉन का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ईसा ने घोषणा की थी कि बैप्टिस्ट जॉन, जिसका सिर तेरह बेकार किया था, पैगम्बर एलियास का ही पुनरावतार था। एक अन्य उदाहरण में ईसा तथा उनके शिष्यों ने एक ऐसे आदमी को देखा जो जन्म से ही अंधा था। शिष्यों ने ईसा को पूछा, पापी कौन है, ये आदमी या उसके माता पिता जिससे वे अंधा जन्मा? ईसा ने उत्तर दिया, पाप भले किसी ने भी किया हो, ये भगवान के कार्य को देखने का अवसर है, ये भगवान के कार्य को दिखाने का अवसर है। उसके बाद ईसा ने इस आदमी को अच्छा कर दिया। अब यदि वह आदमी अपने स्वयं के पापों के कारण अंधा जन्म होता तो वह पाप उसने अपने जन्म से पहले अर्थात अपने पूर्व जन्म में किया होगा और इस विचार के प्रति ईसा ने कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया। कुरान का कथन है, और तुम मृत्यु तथा वे ईश्वर तुम्हें जीवन में वापस ले आए और वे तुम्हें मृत्यु देंगे और तुम्हें जीवित करेंगे और अंत में तुम्हें अपने में समेट लेंगे। इस्लाम के अनुयायियों में सूफी लोग विशेष रूप से विश्वास करते हैं कि मृत्यु से कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि अमर आत्मा विविध शरीरों से निरंतर गुजरता रहता है। प्रसिद्ध सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, मैं खनिज के रूप में मरा और पौधा बन गया, मैं पौधे के रूप में मरा और पशु के रूप में आया, मैं पशु के रूप में मरा और आदमी बन गया, मैं क्यों डरूं, मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ है। भारतवर्ष का कालातीत वेद में पुष्टि करता है कि भौतिक प्रकृति के साथ तदामे स्थापति के अनुसार आत्मा ठीक है 84 लाख योनियों के रूप में एक को ग्रहण करता है और एक बार किसी विशेष योनि में प्रकट होने पर नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक जीवन जीव रूपों में स्वयं विकसित होता रहता है और अंत में मानव योनि प्राप्त करता है। इस प्रकार पश्चिम के सभी प्रमुख धर्मों यहूदी ईसाई और इस्लाम के देशों के ताने बाने में पुनर्जन्म के निश्चित सूत्र है। यद्यपि इन मतवादों के आधिकारिक संरक्षक इनकी अनदेखी या इनसे इनकार करते हैं। तो देखिये यहाँ पे तीनों धर्मों के बारे में बिल्कुल आराम से बताया गया है ना, कि जुडाइज्म हो, यहूदी धर्म हो, या ईसाई धर्म हो, या इस्लाम धर्म, इन तीनों ने ये माना कि पुनर्जन्म होता है, एक शरीर प्राप्त होता है और कर्म के अनुसार उसको जीवन प्राप्त होता है। देखा ना आपने, आप सभी समझ पा रहे हैं? जी माता जी, इसमें देखिए आप बिल्कुल आराम से देख पाएंगे। इसमें बताएगा कि जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह ने भी उनसे पूछा गया कि क्या मतलब जो एक बहुत बड़े संत थे वो क्या उनका पुनर्जन्म हुआ है, तो ईसा मसीह ने कहा कि हाँ उनका हुआ है और उन्होंने इशारे में बताया कि जिनका अभी तुम लोगों ने सर कलम करवाया है वो ही वो व्यक्ति थे। इसका क्या मतलब है कि हैरेट ने जो सर काट दिया, बेसिस्टन जॉन के रूप में वो वापस आए, कौन थे, एलियास, है ना, एलियास का पुनर्जन्म हुआ किसके रूप में, बॉन बेसिस्टन जॉन के रूप में, और अभी फिर उनकी आपने मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद एक बड़ा प्रश्न आया कि क्या हमें अपने कर्मों का दंड मिलता है एक अंधे व्यक्ति को देख के, ईसा मसीह से पूछा, तो ईसा मसीह ने कहा कि हाँ इसने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे इसलिए ही उसको इस जन्म में आंख से अंधा जन्म मिला, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि पुनर्जन्म होता है ना, जब पिछले जन्म की बात की जा रही कि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए उसको इस जन्म में क्या पैदा हुआ, वो अंधा पैदा हुआ। तो क्या क्या प्रूफ कर रहा है ये पुनर्जन्म ही तो प्रूफ कर रहा है कि ये जन्म ही एक ही जन्म नहीं होता, हमने कई आत्मा कई शरीर का जन्म उसने ग्रहण किया है, ठीक है ना। तो पुनर्जन्म होता है ये
इसमें आपके क्रिश्चियनिटी में हो गया, फिर कुरान में भी हमने देखा कि कुरान में भी क्या कहा जा रहा है, बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि तुम मृत थे, तुम्हें जीवन में वापस लाया गया, फिर तुम्हें मृत्यु होगी, तुम पुनर्जीवित होगे, फिर अंत में भगवान अपने अंदर तुम्हें समेट लेंगे। सुन रहे हो? तो क्या कहा जा रहा है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को बोला जा रहा है ना, हे वो फिर नहीं रहोगे, फिर होगे, फिर नहीं होगे, है ना जी। एक बड़े अच्छे कहावत है कि पहले मैं क्या था, मिनरल्स बना, फिर प्लांट्स बना, फिर प्लांट से एनिमल गया, फिर एनिमल से मैं मैन बना। तो हम देख रहे हैं कि जैसा कि शास्त्र में भी हमारे बताया जाता है ना कि 84 लाख कोटि है योनि, है ना, तो उन योनियों से हमें गुजरना पड़ता है अपने कर्म के अनुसार। तो ये पुष्टि बिल्कुल हो रही है इन तीनों धर्मों में, जुडेजियम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, कि पुनर्जन्म होता है, ये जन्म ही एक ही जन्म नहीं है, इसके पहले भी है और आगे भी होगा। और दूसरा सिद्धांत कि हमारा एक शाश्वत भी जन्म है, शाश्वत ज्ञान भी है, अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हम भगवत धाम भी वापस जा सकते हैं, है ना। तो ये दोनों बात जो है एस्टेब्लिश की जाए, ठीक है ना, क्लियर हो गया? यस, बात ठीक है। अब हम चलते हैं, अभी तो हम प्राचीन यूनान में थे, अभी हम मध्य युग में आ जाएंगे, है ना, द मिडिल एज ऑफ पुनर्जागरण, रिनेसेंस। चलिए, मध्य युग और पुनर्जागरण ऐसी परिस्थितियों में जो आज भी रहस्य से घिरी हुई है, बेजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने 553 AD रोमन कैथोलिक चर्च में आत्मा के पूर्व अस्तित्व संबंधी उपदेशों पर रोक लगा दी थी। उस युग में चर्च के अनेक लेख नष्ट कर दिए गए और आज अनेक विद्वानों का विश्वास है कि शास्त्रों से पुनर्जन्म के संदर्भ निकाल दिए गए। यद्यपि चर्च ने नास्तिक पंथों को कठोरता से दंडित किया, तथापि इन्होंने पश्चिम में पुनर्जन्म के सिद्धांत को किसी न किसी तरह जीवित रखा। नास्तिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द नॉस्टिक से निकला, जिसका अर्थ है ज्ञान। पुनर्जागरण के युग में पुनर्जन्म के प्रति लोक रुचि एक नए प्रकार से पल्लवित हुई। इस पुनर्जीवन के लिए नामवर लोगों में से एक था जियोर्डानो ब्रूनो, जो इटली का एक प्रमुख दार्शनिक और कवि था, और जिसको उसके पुनर्जन्म विषय उपदेशों के कारण अंततः धार्मिक अदालत द्वारा चिता पर जीवित जलाकर मार देने का दंड दे दिया गया। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के अंतिम उत्तरों में उसने विद्रोह पूर्वक घोषणा की, आत्मा शरीर नहीं है, और यह कि वह एक शरीर में हो सकता है और या दूसरे शरीर में, और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर सकता है। चर्च के द्वारा किए गए इस प्रकार के दमन के कारण पुनर्जन्म संबंधी उपदेश तब गहरे रूप में भूमिगत हो गए, किंतु वे यूरोप के गुहियम समाजों जैसे रोसिक्रुशियनो, फ्रीमेसनो, कैबालिस्टों और अन्यों में बचे रहे। तो यहाँ पे देखिए, एक बिल्कुल साफ बताया गया कि एंशियंट में लोग मानते थे, उसके बाद में जब मिडिल में जब पुनर्जागरण का जब आया, रेवोल्यूशन का जब एक दौर आया, तो उसमें चर्च ने उन सिद्धांतों को, यानी पुनर्जन्म के जो आर्टिकल्स थे या बातें थी, उनको बाइबल से हटा दिया, नष्ट कर दिया, ताकि लोगों के अंदर जो है ये जो पुनर्जन्म की जो थ्योरी है कि अभी जन्म है, फिर अगला जन्म होगा, फिर पिछला जन्म होगा, ये थ्योरी जो है वे आए ही ना। क्या थ्योरी आए? कि यही एक जन्म है और इसके शून्य से मानव शून्य निकला है और शून्य में ही लीन हो जाता है, यही एक जन्म होता है, इसलिए खाओ पियो और मौज करो, है ना। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह से दबाने का, देखिए आप लोग ने देखा कि किस तरह से चर्च में लगाया गया। ग्रीक में गोनेसिस मीन्स नॉलेज होता है, नॉलेज को किस तरह से नष्ट किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि अगर धर्म है तो पूरी तरह नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये भगवान के द्वारा एस्टैब्लिश होता है। तो बहुत से फिलोसोफर और पोएट थे, जैसे ग्यूरेंडो ब्यूरनो, इनको क्या किया गया, उनको इसलिए मृत्युदंड दिया गया क्योंकि ये पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मान रहे थे और वहां पे विरोध कर रहे थे, है ना। तो एक शरीर होता है, दूसरा शरीर होता है और देहांतरण होता है। तो लेकिन लास्ट तक ब्रूनो का यही कहना था कि ऐसा होता है। फिर इसके बाद देखा गया कि इतना ज्यादा चर्च ने
अपना जन्म के सिद्धांत को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ये सीक्रेट रूप से रहा। जैसे उनमें कुछ लोग थे, जैसे बताया गया रोसिक्रुशियनो, फ्रीमेसनो, केबालिस्टो और के अन्य लोग जो थे, लोग थे, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, ये लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को जीवित रखते। समझ में आ रहा मतलब? यस बात है। शास्त्र से, इनके जो बाइबल से, वहां से सारी चीजें हटाई जा रही हैं, ताकि आने वाले लोगों को पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में कोई नॉलेज ना रहे। लेकिन फिर भी सीक्रेट रूप से कई लोगों के पास ये विद्यमान थी। और ये विद्यमान कहाँ थी, इसमें बताया गया कि ये लोग इंडिया से प्रभावित थे, इंडिया की फिलोसफी से प्रभावित। आगे वे नव आलोक का युग, मॉडर्न एज। यस सर, नव आलोक का युग। नव आलोक के युग में यूरोप में बुद्धिजीवी वर्ग चर्च द्वारा लादी गई पाबंदियों से अपने आप को मुक्त करने लगा। महान दार्शनिक वोल्टेयर ने लिखा है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत ना तो बेहुदा है और ना ही व्यर्थ, और एक बार जन्म लेने की अपेक्षा दो बार जन्म लेना अधिक आश्चर्यजनक नहीं है। किसी को भी ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जब इस विषय पर लोक रुचि अटलांटिक को पार करके अमेरिका पहुंची, तब अमेरिका के अनेक प्रतिष्ठापक नेता पुनर्जन्म के विचार से मुग्ध हो उठे और अंततः उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। अपने दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, इस संसार में अपना अस्तित्व पाकर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं न किसी रूप में सदा रहूंगा। सन 1814 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने, जो हिंदू धार्मिक किताबों का अध्ययन किया करते थे, एक अन्य भूतपूर्व राष्ट्रपति मोंटेरोसेलो के संत थॉमस जेफरसन को पुनर्जन्म के सिद्धांत के विषय में लिखा था। एडम्स ने लिखा, परम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने पर कुछ आत्माएं घोर अंधकार के गर्त में डाल दी गई थी। इसके बाद उनको कारागार से मुक्त किया गया और उन्हें पृथ्वी पर आने की ओर अपने अपने पद और चरित्र के अनुरूप विभिन्न प्रकार के पशुओं, सरीसृपों, पक्षियों, हिंसक प्राणियों और मनुष्य के रूप में, यहाँ तक कि वनस्पतियों और खनिजों में भी अपनी परिवेशन अवधि पूरी करने के लिए देहांतर की अनुमति दी गई। यदि वे अपने को दूषित किए बिना सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सके तो उन्हें गाय और आदमी होने की अनुमति दे दी गई। यदि मनुष्य के रूप में उनका व्यवहार अच्छा रहा तो उन्हें स्वर्ग में उनके मूल पद और सुख को वापस लौटा दिया गया। यूरोप में नेपोलियन अपने सेनापतियों से ये कहने में बहुत रुचि लेता था कि पूर्व जन्म में वह महान सम्राट चार्ल्स था। जर्मनी के महानतम कवियों में से एक जोहान वेल्फगंग वॉन गॉथे का भी पुनर्जन्म में विश्वास था, और संभव है कि यह विचार उसे भारतीय दर्शन के अध्ययन से मिला हो। नाटककार और वैज्ञानिक के रूप में विख्यात गॉथे ने भी एक बार कहा था, मुझे विश्वास है कि मैं सहस्त्रों और यहाँ सबसे पहले रह चुका हूँ, जैसे कि इस समय हूँ, और मैं सहस्त्रों बार यहाँ लौटने की आशा करता हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न टाइम आया, मध्ययुग के बाद जब मॉडर्न टाइम आया, तो इस्लाम, यहूदी, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूनान, ग्रीक, इटली, इन सब में क्या चेंजेस आए। तो चर्च में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि पुनर्जन्म के सिद्धांत नहीं होते, ये इनसे लोगों ने अपने आप को मुक्त कर लिया। सब ने ये एग्री किया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो बेहुदा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट सिद्धांत है और ये होता है ना। तो अब फिर देखा जाए कि यही सिद्धांत जो है अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंक ने भी यही बात लिखी। क्या लिखी कि फाइंडिंग माई सेल्फ एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आई बिलीव आई शैल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। मैं आज हूँ, कल भी रहूंगा और किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रहूंगा। फिर आपको देखते हैं 1814 यानी मॉडर्न एज आ गया। मॉडर्न एज में जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं, स्कॉलर हैं, प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जब इंडियन फिलोसफीज पढ़ी, और ये कहीं ना कहीं इंडियन फिलोसफीज पढ़ते थे, है ना, देखो एकदम साफ साफ लिखा है, तो इसलिए ये बिलीव रखते थे कि जो ये जन्म है यही जन्म, अगर कोई व्यक्ति भगवान का विरोध करता है
तो वो आत्माएं घोर नरक में डाल दी जाती थी। फिर घोर नरक से वो निम्नलिखित योनियों में जन्म लेती है ना, पशु योनि, सरीसृप, पक्षी, हिंसक प्राणी, ये ऐसे डेवलप करते 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 सिंगल सेल से डबल सेल से आगे, फिर आगे डेवलपमेंट करते करते वो काऊ के रूप में आती थी, उसके बाद वो मनुष्य रूप में आती है। लेकिन अगर मनुष्य रूप में आकर कोई भगवान के सिद्धांतों का भक्ति करता है या पालन करता है तो वो स्वर्ग की तरफ चला जाता है। एकदम साफ देखिए लिख रहा है भगवद गीता में भगवान ने यही बात कही है ना। यस, तो अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इवन नेपोलियन जैसे सेनापति ने भी दिखा कहा कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत होता है अब वो विश्वास करता था। अभी और भी देखते हैं कि भारतीय दर्शन के अध्ययन से ये सब बातें उनकी पुष्टि होती थी। कहीं ना कहीं आप हमेशा देख रहे हैं कि चाहे इंग्लैंड में आप देख रहे हैं, चाहे सुकरात को देख रहे हैं, चाहे नेपोलियन को देख रहे हैं, चाहे अमेरिका में देख रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं जब भारतीय लोगों की फिलोसफी से पाला पड़ा तो उन सब ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद। ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म यानी अध्ययन। पढ़िए पढ़िए। इवोल्यूशन, विटमैन और थोरो सहित अमेरिकी अध्यात्मवादियों को भी भारतीय दर्शन एवं पुनर्जन्म में सीख मिलती थी। इवोल्यूशन ने लिखा है, विश्व का ये रहस्य है कि यहाँ सभी वस्तुएं स्थिर रहती हैं और मरती नहीं, परंतु कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाती है, ओझल हो जाती है और बाद में फिर से लौट आती है, मरता कुछ भी नहीं, मरता कुछ भी नहीं। मनुष्य मरने का बहाना करते हैं और बनावटी अंत्येष्टि और शोकपूर्ण नरम समाचारों को सह लेते हैं और वे भले चंगे किसी नए विचित्र छत देश में खड़े अपनी खिड़की से बाहर झांकते हैं। इमर्शन ने अपनी पुस्तकालय की अनेक प्राचीन भारतीय दर्शन की पुस्तकों में से एक कठोपनिषद से उद्धृत किया है, आत्मा जन्म नहीं लेता, यह मरता भी नहीं है, न ये किसी से उत्पन्न हुआ है, अजन्मा है, सनातन है, ये मारा नहीं जाता है, जब भी शरीर मारा जाता है। वॉलिंग फोन के दार्शनिक थोरो ने लिखा है, मैं जहाँ तक पीछे याद कर सकता हूँ मैंने किसी पूर्व अस्तित्व के अनुभवों को अनजाने ही संदर्भित किया है। इसीलिए खोज की गई द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सेवन ब्राह्मण, सात ब्राह्मणों का पुनर्जन्म नामक एक पांडुलिपि के पुनर्जन्म में छोरों की गहरी रुचि का पता चलता है। ये छोटी पुस्तक प्राचीन संस्कृत इतिहास से पुनर्जन्म की एक कहानी का अंग्रेजी अनुवाद है। देहांतरिंग की घटना का संबंध उन सात ऋषियों के जीवन से है जिन्होंने शिकारियों, राजकुमारों और पशुओं के रूप में उत्तरोत्तर पुनर्जन्म ग्रहण किया था। और वॉल्ट विटमैन अपनी कविता सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ में लिखते हैं, मैं जानता हूँ मैं अमर्त्य हूँ, हमने अभी तक बिताई है खरबों शीत और ग्रीष्म ऋतुएं, खरबों अभी आगे आने का है और खरबों इनके भी आगे आने के हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक अनोरो बोर्जेस ने पुनर्जन्म के विषय पर एक पूरा उपन्यास सिर्फ का लिखा है। बोर्जेस कहते हैं, सभी मनुष्य एक पूर्व जीवन से गुजरते हैं, कौन जानता है स्वर्ग के उत्तर अधिकारी को कितने मासिक रूपों को धारण करते पड़े इससे पहले वे शांति एवं एकांत के उस मूल्य को समझ सके जिसके तारों से आरोपित मैदान आध्यात्मिक विश्व के धरोहर मात्र है। डेविड कॉपरफील्ड ने चार्ल्स डिकेंस ने पूर्व जन्म पहले कभी देखा है देजवु की स्मृतियों पर आधारित एक अनुभव की छानबीन की। हम सभी को एक अनुभव का एहसास होता है जो समय समय पर हम सभी को अभिभूत करता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं वे किसी दूर अतीत से पहले कहा और किया जा चुका है, कि हम सभी वो पूर्व इन्हीं चेहरे वस्तुओं और परिस्थितियों से घिरे रह चुके हैं और रूस में
टॉलस्टॉय ने लिखा, जिस प्रकार हम वर्तमान जीवन में समस्त सपनों के बीच रहते हैं, वैसे ही हमारा वर्तमान जीवन कई ऐसे जीवनों में से केवल एक है जिसमें हम एक अन्य अधिक सत्य जीवन से प्रवेश करते हैं और फिर मृत्यु के बाद वापस लौट जाते हैं। हमारा जीवन उस अधिक सत्य जीवन के सपनों में से केवल एक है और इसीलिए अनंत प्रक्रिया उस अंत तक उस सच्चे जीवन ईश्वरीय जीवन में पहुंचने चलती रहती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया? यस माताजी। हां जी माताजी। ओके, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जितने लोग हैं सबने क्या किया है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को फिर से एस्टैब्लिश किया। अध्यात्मवाद में भी सारे लोगों ने आप देखा, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विदेश के हो, ब्रिटिश जीव विज्ञानी हो, थॉमस हक्सले हो, या आधुनिक वैज्ञानिक हो, इन सब ने क्या कहा कि पुनर्जन्म जो होता है, मैं था हूँ और रहेगा। जैसे जैक लंडन ने पुनर्जन्म को अपने उपन्यास द स्टार रोवर का मुख्य विषय बताया कि मैंने अपना जीवन तभी प्रारंभ नहीं किया था जब मैंने जन्म लिया था, मतलब यही जन्म जो है मेरा, यही जन्म यही से शुरू नहीं किया है, मैंने बहुत पहले भी असंख्य लोग जगह में विकसित हुआ हूँ, उसके बाद मेरा ये जन्म, ठीक है ना। तो मैं असंख्य बार पुनः पैदा होऊंगा भी आगे भी, और मेरे इर्द गिर्द मूक लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये मेरे रस्सी का गला घोट देंगे और मेरा अंत कर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, राजनेता हैं, इन्होंने अपनी लघु कथाएं, जैसे जेडी सिंगलर ने बताया कि जो समय से पूर्व परिपक्व युवा बालक है, जो अपने पूर्व जनों के अनुभव को याद करता है, उसके बारे में बिना झिझके बताया करता था, लेकिन मूर्ख लोग इन बातों को नहीं समझते। तो जैसे आप देखेंगे अंग्रेजी राजकवि थे जॉन वेस्टफील्ड, उन्होंने भी बताया कि जब कोई आदमी मरता है तो उसकी आत्मा पुनः पृथ्वी पर लौट कर आती है और नए मास छंद वेश में सजकर कोई दूसरी माँ के उसे जन्म देती। अब देख रहे हैं कि इस तरह से आपने पढ़ाई इस चीज को कि किस तरह से जो पश्चिम में सामान्य जनता और बुद्धिजीवियों का ध्यान एक बार पुनर्जन्म की ओर फिर से आकृष्ट हो गया। तो मॉडर्न जो लोग थे उन्होंने तथ्यों के आधार पर ये सिद्ध किया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत तो होता है, पिछला जन्म भी होता है, हमारे एक्शन का प्रभाव हमारे जन्म को डिसाइड भी करता है ना। तो हिंदू हो, बौद्ध हो, तर्कवादी हो, धर्मावलंबी हो, परंपरा में मानते हैं कि जन्म के साथ जो है वो जीवन शुरू नहीं होता, मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता। परंतु धारणा जिज्ञासा विश्वास पैदा पर ये जो है विश्वास, खाली खाली विश्वास होना ऐसा होता है ऐसा होता है, ये पर्याप्त नहीं है। पुनर्जन्म को विज्ञान को पूरी तरह समझने की दिशा में पहला चरण मात्र है कि दुख में जीवन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की विधि का ज्ञान शामिल। तो अब हम पढ़ेंगे भगवद गीता में, जो कि एक भगवान ने ही अपना संदेश दिया, ये ऑथेंटिक वे है। अभी हमने लोगों के व्यू सुने पूरी दुनिया के, है ना, अभी हम ऑथेंटिक मार्ग से ज्ञान सुनेंगे पुनर्जन्म के बारे में भगवद गीता क्या कहती है। ये किसकी बारी है? आधुनिक युग करना है ना, अभी आधुनिक युग है भगवत गीता का नहीं है, आधुनिक युग है, सॉरी हाँ द मॉडर्न एज सॉरी मॉडर्न एज रह गया बीच में। ओके, एक मेरे पास इंग्लिश बुक है जिसे मैं बोल रही हूँ। ओके यस, तो हमने अभी जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो हमारा जो एज ऑफ इनलाइटमेंट यानी नव युग जो शुरू हुआ, उसमें अब हम मॉडर्न एज के बारे में भी यही सेम चीजें हैं, तो मॉडर्न एज के बारे में हम पढ़ेंगे। यस, किसकी बारी है? मेरी। जैसे कि हम 20वीं सदी में प्रवेश करके हम देखते हैं कि पुनर्जन्म के विचार में पश्चिम के अत्यंत प्रभावी कलाकारों में से एक पॉल गोगान को आकृष्ट किया, जिसने ताहिती प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप में अपने अंतिम दिनों में लिखा कि जब भौतिक शरीर संरचना विखंडित हो जाती है, आत्मा जीवित रहता है और तब वह पाप और पुण्य के अनुसार नीचे गिरते हुए अथवा ऊपर उठते हुए दूसरा शरीर धारण करता है। इस कलाकार का विश्वास था कि सतत पुनर्जन्म का विचार पश्चिम को सबसे पहले पाइथागोरस ने सिखाया, जिसने इसे प्राचीन भारत के ऋषियों से सीखा था। अमरीका के मोटरकार उद्योग
के समृद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने एक बार किसी समाचार पत्र के संवाददाता को भेंट में कहा था, जब मैं 26 साल का था तब मैंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। फोर्ड ने बताया, विलक्षण प्रतिभा एक अनुभव है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक ईश्वर प्रदत्त उपहार या क्षमता है, परंतु यह अनेक जन्मों से संचित अनुभवों का फल है। इसी प्रकार अमरीकी सेनापति जॉर्ज एस पैटन का विश्वास था कि उसने अपने सैन्य कौशलों को पुरातन युद्ध क्षेत्रों से प्राप्त किया था। आयरलैंड के उपन्यासकार और कवि जेम्स जॉर्ज की कृति यूलिसिस में पुनर्जन्म बारंबार दोहराए जाने वाला विषय है। इस उपन्यास के एक प्रसिद्ध प्रकरण में जॉर्ज का नायक श्रीमान ब्लूम अपनी पत्नी से कहता है, कुछ लोगों का विश्वास है कि हम मृत्यु के बाद एक दूसरे शरीर में जीवित रहते हैं जिसमें हम पहले भी जिए थे, जैसे पुनर्जन्म कहते हैं। हम सब सहस्त्र वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अथवा किसी अन्य ग्रह पर रहते थे। वे कहते हैं कि हम सब इसे भूल गए हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद है। जैक लंडन ने पुनर्जन्म को अपने उपन्यास दी स्टार रोवर का प्रमुख विषय बनाया, जिसका प्रमुख पात्र कहता है, मैंने अपना जीवन तभी प्रारंभ नहीं किया जब मैंने जन्म लिया, न ही जब मैंने गर्भ में प्रवेश किया। मैं अनेक असंख्य युगों में बढ़ता विकसित होता रहा हूँ। मेरी सारी पूर्व आत्माओं की ध्वनिया प्रतिध्वनिया और प्रेरणाएं मुझ में है। ओह, मैं असंख्य बार पुनः पैदा होऊंगा। तब भी मेरे इर्द गिर्द के मूर्ख लोग सोचते हैं कि एक रस्सी से मेरा गला घोट कर वह मेरा अंत कर देंगे। माता जी आगे पढ़ो। हाँ। आध्यात्मिक सत्य की खोज विषयक अपने उत्कृष्ट श्रेणी के उपन्यास सिद्धार्थ में नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेस ने लिखा। उसने इन सब रूपों और चेहरों को सहस्त्रों संबंधों में परस्पर बंधे हुए देखा। उनमें से कोई नहीं मेरा, वे केवल बदल गए, सदा जनते रहे। कोई नहीं मरा वे केवल बदल गए सदा जन्म निरंतर उन्हें नया चेहरा मिलता रहा। केवल काल ही था जो एक चेहरे और दूसरे चेहरे के बीच खड़ा था। अनेक वैज्ञानिकों और मनोवेत्ताओं का भी पुनर्जन्म में विश्वास रहा है। महानतम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल जंग ने स्व तथा चेतना के गूढ़तम रहस्यों को समझने के लिए अनेक जन्म लेने वाले शाश्वत आत्मा के विचार का साधन के रूप में उपयोग किया। जंग ने कहा, मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूँ कि मैं विगत शताब्दियों में जीवित रहा हूँगा और वहां मैंने उन प्रश्नों का सामना किया होगा जिनका उत्तर मैं तब नहीं दे सका था, जिससे मुझे फिर जन्म लेना पड़ा क्योंकि मैं उस काम को पूरा नहीं कर सका जो मुझे सौंपा गया था। ब्रिटिश जीव विज्ञानी थॉमस हक्सले ने बताया कि देहांतरण का सिद्धांत मनुष्य को ब्रह्मांड की कार्य पद्धति को समुचित रूप से समझाने वाला युक्ति संगत साधन है। उसने चेतावनी दी, केवल वे ही जो जल्दबाजी से विचार करता है इसे अंतर्निहित तर्कहीनता के आधार पर अस्वीकृत करेंगे। मनोविश्लेषण विज्ञान और मानव विकास के क्षेत्र में जाना माना व्यक्ति अमरीकी मनोविश्लेषक एरिक एरिक्सन दृढ़ विश्वास अभिव्यक्त करता है कि पुनर्जन्म प्रत्येक मानव की विश्वास पद्धति के केंद्र बिंदु तक जाता है। उसने लिखा है, हमें इसका सामना करना चाहिए। कोई भी विवेकी व्यक्ति अपने ही अंदर अपने अस्तित्व को ये माने बिना कि वह सदैव जीवित था और सदैव जीवित रहेगा देख नहीं सकता। आधुनिक युग के अग्रणी राजनेता और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी ने एक बार बताया था कि किस प्रकार पुनर्जन्म की व्यवहारिक समझदारी ने उन्हें विश्व शांति के सपनों को पूर्ण करने के लिए आशा प्रदान की थी। गांधी ने कहा था, मैं एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच स्थायी शत्रुता की बात नहीं सोच सकता और क्योंकि मैं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ, मैं इस आशा को लेकर जीवित रहता हूँ कि यदि इस जन्म में नहीं तो किसी दूसरे जन्म में मैं समूची मानवता का मैत्रीपूर्वक गले लगा सकूंगा। अपने सुप्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक में जेडी सेलिंगर टेडी को लाता है, जो समय से पूर्व परिपक्व युवा बालक है जो अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों को याद करता है और उनके बारे में बिना झिझक बातें करता है। इतनी मूर्खता लगती है यह बात, सिर्फ इतनी सी है कि जब आप मरते हैं तो केवल अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। भगवान की कसम, हम में से प्रत्येक ने हजारों बार यह काम किया है। चूंकि उन्हें याद नहीं है इसलिए इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। जनार्दन लिविंगस्टन सीगल इसी नाम के उपन्यास के नायक का वर्णन करके रचयिता रिचर्ड बाक ने इस प्रकार किया है, वह तेजस्वी सूक्ष्म ज्वाला जो हम सबके भीतर जलती है, अनेक पुनर्जन्मों की श्रृंखला से गुजरती है जो इसे पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक ले जाती है और फिर वापस ले आती है, जिससे वह कम भाग्यशाली व्यक्तियों को प्रकाश दे सके। जनार्दन ने गुरुओं में से एक पूछता है, पहली बार यह विचार करने से पूर्व की जीवन में खाने लड़ने अथवा समूह में धाक जमाने से बढ़कर भी कुछ है
क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कितने जीवनों से गुजर चुके होंगे? 1,000 जीवन जॉन 10,000 और तब दूसरे 100 जीवन। जब तक हम यह सीखना प्रारंभ नहीं करते कि पूर्णता नाम की कोई वस्तु है और पुनः 100 जीवन जिससे हम यह विचार पा सकें कि जीवन का उद्देश्य पूर्णता की उपलब्धि पाना और उसे प्रकट करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता इसाक देशेविच सिंगर पूर्व जन्म और आत्मा की अमरता की बातें अपनी अनुपम लघु कहानियों में अक्सर करता है। मृत्यु होती ही नहीं, यदि प्रत्येक वस्तु ईश्वर का ही अंश है तो मृत्यु हो ही कैसे सकती है? आत्मा तो कभी नहीं मरता और शरीर कभी सच में जीवित होता ही नहीं है। अंग्रेज राजकवि जॉन मैक्सफील्ड दत्त और भावी जीवनों के विषय में अपनी विख्यात कविता में लिखता है, मेरा मत है कि जब कोई आदमी मरता है उसका आत्मा पुनः पृथ्वी पर लौटता है किसी नए मांसल क्षमा वेश में सजकर, कोई दूसरी माँ उसे जन्म देती है, दृढ़तर अंगों और अधिक चेतन मस्तिष्क के साथ वही पुरातन आत्मा मार्ग पर पुनः अग्रसर हो जाता है। संगीतकार गीतकार और जाने माने भूतपूर्व बीटल जॉर्ज हैरिसन का पुनर्जन्म विशेष गंभीर चिंतन परस्पर मानव संबंधों पर उसके निजी विचारों में प्रकट होता है। मित्र वह आत्माएं हैं जो दूसरे जीवनों में हमारे परिचित रहे हैं तथा हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मित्रों के बारे में मैं यही अनुभव करता हूँ, यदि मैंने एक दिन के लिए भी उन्हें जाना हो तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें 2 वर्षों तक जानने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा क्योंकि किसी न किसी तरह हम पहले कहीं ना कहीं अवश्य मिल चुके होंगे। पश्चिम में सामान्य जनता और बुद्धिजीवियों का ध्यान एक बार फिर पुनर्जन्म की ओर आकर्षित हो रहा है। फिल्म उपन्यास लोकप्रिय गीत और पत्रिकाओं में जब अब पुनर्जन्म की चर्चा बार बार होती है तथा यह चर्चा निरंतर बढ़ रही है, लाखों पश्चिमी लोग जिनकी संख्या 1.5 अरब से भी अधिक है उन लोगों की श्रेणी में तेजी से आ रहे हैं जिनमें हिंदू बौद्ध ताओवादी एवं अन्य धर्मावलंबी सम्मिलित हैं, जो परंपरा से ये मानते आए हैं कि जीवन जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता अथवा मृत्यु के साथ उसका अंत नहीं हो जाता। परंतु साधारण जिज्ञासा अथवा विश्वास पर्याप्त नहीं है, पुनर्जन्म के विज्ञान को पूरी तरह समझने की दिशा में यह पहला चरण मात्र है जिसमें दुख में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की विधि का ज्ञान शामिल है। तो हमने इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, अलग अलग लोगों के बारे में सब बता ही दिया था। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने जो ये आध्यात्मवाद के लोगों के बारे में सुना है ना, अलग अलग आध्यात्मवादी थे, ये लोग भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने लगे, चाहे जर्मन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, महात्मा गांधी थे, है ना, जॉर्ज हैरिसन थे, या लास्ट में हमने पढ़ा सिंगलर के बारे में, सिंगलर ने भी यही बात कही, म्यूजिशियन थे ना एक बीटल जॉर्ज हैरिसन, इन सब ने यही कहा कि मैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को न केवल जानता हूँ बल्कि कई लोग तो इसको फील कर रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो यही एक जन्म नहीं है। तो ये जो आपने अभी आज थोड़ा सा जो ओवरव्यू दिखाया अनेक दार्शनिकों का, अनेक धर्मों का, प्राचीन मध्य और नवीन तीनों युगों के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज करके दिखाया कि कैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत पहले बिलीव किया जाता था, बीच में थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया गया, लेकिन मॉडर्न एज में फिर से अनेक प्रकार के जो वाद हैं इन लोगों ने एक चीज एक्सेप्ट की कि पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो होता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस चरण में केवल यही नहीं बताया जाएगा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत लोग मानते हैं तो ऐसा होता है, बल्कि हम इसको सिद्धांत के रूप में भी आपको बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि भागवत गीता तो टाइमलेस सोर्स बुक ऑफ री इंकारनेशन, पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में भागवत गीता का क्या कहना है। तो और एक चीज हमने देखी कि जितने भी फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, गायक थे, जो भी लोग थे, इन सब ने जब भारत से कांटेक्ट किया तो इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना, नहीं तो ये लोग शून्यवाद को मानते हैं और इसी लाइफ को ही लाइफ मानते हैं। yes. तो ऐसा हमने देखा, तो यानी भारत में ही ऐसा नॉलेज है। तो आइए हम भारत का नॉलेज पढ़ते हैं कि भारत में पुनर्जन्म के बारे में भगवत गीता जो कि सबसे ज्यादा स्कॉलर बुक है, भगवान ने स्वयं दी है और बहुत ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है, वो क्या कहता है। यस, किसकी बारी है? जी माता जी, भगवत गीता पुनर्जन्म पर कालातीत श्रोत ग्रंथ। बहुत से पश्चिमी लोग पुनर्जन्म को ये पुनर्जन्म को और अधिक गहराई से समझने के उद्देश्य से गत और भावी जीवनों के ज्ञान के मूल स्रोतों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। समर्पित उपलब्ध
सभी साहित्यों में भारतवर्ष के संस्कृत भाषा में रचित वेद पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है और पुनर्जन्म विज्ञान की संपूर्ण और तात्कालिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे शिक्षाएं जिन्होंने 5 सहस्र से भी अधिक वर्षों से अपने सार्वलौकिक सर्व प्रभाव और व्यवहारिकता को बनाए रखा है, जो वैदिक ज्ञान और उपनिषदों का सार है, उस भगवद्गीता में पुनर्जन्म विषयक अत्यंत मौलिक जानकारी मिलती है। 50 शताब्दी पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र एवं शिष्य अर्जुन को उत्तरी भारत के एक रण क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। पुनर्जन्म का विवेचन के लिए युद्ध भूमि आदेश स्थान होती है क्योंकि आदर्श स्थान होती है क्योंकि मनुष्य युद्ध में होने के कारण जीवन मृत्यु और जीवनोत्तर संबंधी निर्णायक प्रश्नों का सीधा सामना करता है। जैसे ही श्री कृष्ण आत्मा की अमरात्मा के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं वे अर्जुन से कहते हैं, कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम ना थे, ना ये सब राजा थे और ना ही भविष्य में हम में से किसी का होना रुक जाएगा। गीता आगे निर्देश देती है, यह जान लो कि जो इस समूचे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। आत्मा जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं इतना सूक्ष्म है कि ये सीमित मानव बुद्धि और इंद्रियों से तुरंत इसकी सत्यता सिद्ध कर पाना योग्य नहीं। अतएव हर मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्यवत रूप में वर्णन करते हैं और कुछ आश्चर्यवत रूप में सुनते हैं। कुछ लोग इसके विषय में सुनने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना मात्र श्रद्धा की बात नहीं है। भगवद गीता हमारी इंद्रियों और तर्क के साक्ष्य पर विचार करने को प्रेरित करती है, जिससे हम इसकी शिक्षाओं के विवेकपूर्ण विश्वास को कतिपय मात्रा के साथ स्वीकार कर सके, ना कि आंख मूंद कर असंगत मतवाद के रूप में। पुनर्जन्म को तब तक समझ पाना असंभव है जब तक हम वास्तविक स्व आत्मा और शरीर में भेद को नहीं जानते। गीता नीचे दिए गए उदाहरण के द्वारा हमें आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता करती है। जैसे अकेला सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर स्थ जीवात्मा चेतना के द्वारा समूचे शरीर को प्रकाशित करता है। शरीर में आत्मा की उपस्थिति के लिए चेतना ठोस साक्ष्य है। मेघों से आच्छादित दिनों में सूर्य भले ही दिखाई ना पड़े, परंतु उसके प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम जानते हैं कि वह आकाश है। एक मिनट को शरीर में आत्मा की उपस्थिति के लिए चेतना ठोस साक्ष्य है। सही पढ़ो बेटा, ये तो मीनिंग अलग हो जाएगी। सही बता रहे हैं कि शरीर में आत्मा की उपस्थिति के लिए चेतना ठोस साक्ष्य है, एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस। मेघों में आच्छादित दिनों में सूर्य भले ही दिखाई ना पड़े, परंतु उसके प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम जानते हैं कि वह आकाश में है। इसी प्रकार हम आत्मा का सीधा साक्षात्कार भले ही ना कर सके, किंतु चेतना की उपस्थिति से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह आत्मा वहाँ है। चेतना के ना होने पर शरीर मात्र निर्जीव पदार्थ का पिंड रह जाता है। केवल चेतना की उपस्थिति से ही निर्जीव पदार्थ के इस पिंड में श्वास लेने, बोलने, प्रेम करने और डरने की क्रिया का संचार होता है। सार ये है कि शरीर आत्मा का वाहन है, जिसके द्वारा वह अपनी असंख्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। गीता बताती है कि जीवात्मा शरीर में भौतिक शक्ति में निर्मित यंत्र पर स्थित है। आत्मा मिथ्य ही शरीर के साथ पहचान कर लेता है और जीवन की विविध धारणाओं को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ठीक उसी प्रकार ले जाता है जैसे वायु सुगंध को ले जाती है।
जिस प्रकार चालक के बिना कोई मोटर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार भौतिक देह आत्मा की उपस्थिति के बिना काम नहीं कर सकती। जो जो आदमी की आयु बढ़ती है, त्यो त्यो चेतन आत्मा और भौतिक शरीर का भेद अधिक स्पष्ट होने लगता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि उसका शरीर निरंतर बदल रहा है, वह टिकता नहीं है, और समय यह सिद्ध कर देता है कि बालक स्वल्पायु है। शरीर किसी काल विशेष में अस्तित्व में आता है, बढ़ता है, परिपक्व होता है, सनातन संतान पैदा करता है और शने शने क्षीण होता है और मर जाता है। इस प्रकार भौतिक शरीर मिथ्या है, क्योंकि वह नियत समय पर नष्ट हो जाएगा। जैसे गीता व्याख्या करती है, असत का अस्तित्व नहीं होता, परंतु भौतिक शरीर के इस परिवर्तनों के बावजूद चेतना, जो अनंत आत्मा का परिचायक चिन्ह है, नहीं बदलती। सत में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम ये तर्कसंगत निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चेतना में स्थायित्व का सहज गुण है, जिससे वह शरीर के नष्ट होने पर जीवित रह सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा के लिए किसी समय भी ना तो जन्म है ना मृत्यु। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, किंतु यदि आत्मा शरीर के मारे जाने पर नहीं मारा जाता, तब उसका क्या होता है? भगवद गीता में उत्तर दिया गया है कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, यह पुनर्जन्म है। कुछ लोगों के लिए ये अवधारणा है को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, किंतु ये प्राकृतिक प्रक्रिया है और गीता हमें इस धारणा को समझने में सहायता के लिए तर्कसंगत उदाहरण देती है। जिस प्रकार शरीर से आत्मा इस शरीर में बचपन से यौवन में और यौवन से बुढ़ापे में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश पाता है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य एक जीवन काल में भी पुनर्जन्म ग्रहण करता है। कोई भी जीव विज्ञानी बता सकता है कि शरीर की कोशिकाएं निरंतर मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं उनका स्थान लेती रहती हैं। दूसरे शब्दों में इससे हमें प्रत्येक व्यक्ति हमसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसी जीवन में कई विविध शरीर धारण करता है। किसी वयस्क का शरीर उसके अपने ही शिशु शरीर से पूरी तरह भिन्न होता है। वयस्क मींस यंग। किसी वयस्क का शरीर उसके अपने ही शिशु शरीर से पूरी तरह भिन्न होता है, तथापि शारीरिक परिवर्तनों के बावजूद अंतस पुरुष वही बना रहता है। लगभग ऐसा ही मृत्यु के समय होता है, जब आत्मा शरीर के अंतिम परिवर्तन को प्राप्त करता है। गीता कहती है, जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण और निरर्थक शरीर का त्याग कर नए भौतिक शरीर का ग्रहण करता है। इस प्रकार आत्मा जन्म और मृत्यु के अंतहीन स्वर्ग में वस्त्र में उलझा रहता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और मरने के पश्चात उसका जन्म निश्चित है। वेदों के अनुसार जीवों को 84 लाख योनियों से वेदों के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। अणु जीवों के प्रारंभ होकर मत्स्य, वनस्पति, कीट, सरीसृप, पशुओं और पक्षियों तक ऊपर उठती हुई जीवात्माएं मनुष्यों और देवताओं तक अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार इन योनियों के निरंतर जन्म लेती रहती हैं। मत जाके पढ़ना है? हाँ हाँ, प्लीज इसको कंप्लीट करो, एक पेज और रह गया। मन एक मिनट, कोई दूसरा पढ़ना चाहे, थक गई हो तो ठीक है, नेक्स्ट कोई पढ़ ले। ठीक है यशिका, आप पढ़ लो। मालूम है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी। कहाँ से? आप पढ़ो।
आज तो माता जी कहाँ पे छोड़ा आपने? मैं इंग्लिश में रीड कर रही थी माता जी। मैंने माता जी मैं पढ़ देती हूँ, मैं म्यूट पे थी। ठीक है आप पढ़ो आस्था, कंप्लीट करो। मन मन वह यंग जी माता जी पढ़ लीजिए। माइंड द माइंड लिंक्स इन दैट डायरेक्ट दी मन वह यंग वह यंग हाँ ठीक है पढ़ो 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 अंबिका माता जी कंटिन्यू प्लीज। मन वह यंत्र है जो देवांतर का नियंत्रण करता है और नवीन तथा नवीनतम शरीरों की ओर आत्मा को प्रेरित करता है। थोड़ा धीरे पढ़ो ऐसा, थोड़ा धीरे पढ़ो बेटा, आवाज आपकी क्लियर नहीं है, थोड़ा अपनी आवाज क्लियर करो। हेलो। मन वह यंत्र है जो देहांतरण का नियंत्रण करता है और नवीन तथा नवीनतर शरीरों की ओर आत्मा को प्रेरित करता है। गीता व्याख्या करती है जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर को त्यागता है उसी भाव को वह निश्चित रूप से अपने अगले जीवन में प्राप्त होगा। जो कुछ भी हमने जीवन भर सोचा और किया उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और इन प्रभावों का समुचय मृत्यु के समय हमारे अंतिम विचारों को प्रभावित करता है। इन विचारों की गुणवत्ता के अनुरूप भौतिक प्रकृति हमें उपयुक्त शरीर देती है। इसलिए जो शरीर हमें अभी प्राप्त है वह हमारी पिछली मृत्यु के समय ही चेतना की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार जीवात्मा नए स्थूल शरीर को ग्रहण करता है जिससे वह विशेष प्रकार की आंख कान जीभ नाक और त्वचा प्राप्त करता है जो मन के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार वह किन्हीं विशिष्ट इंद्रियां भोगों को भोगता है ये गीता की व्याख्या है। इसके साथ ही पुनर्जन्म का मार्ग मनुष्य को सदैव सुंदर की ओर नहीं ले जाता। यह निश्चित नहीं है कि कोई मनुष्य अगले जीवन में मनुष्य जन्म को ही प्राप्त करे। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति कुत्ते की मानसिकता को लेकर मरता है तो वह अगले जन्म में कुत्ते की ही आंख कान नाक इत्यादि प्राप्त करेगा और इस प्रकार वह कुत्ते को उपलब्ध विशिष्ट सुख भोग सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अभागे आत्मा की नियति की पुष्टि यह करते हुए कहते हैं कि यदि कोई तामसिक मन स्थिति में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म लेता है। भगवत गीता के अनुसार मानव जो अपने अभौतिक उच्च स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करते उन्हें कर्म विधान के वशीभूत होकर कभी मानव रूपों में कभी पशु रूपों में तो कभी वनस्पति अथवा क्रमी रूपों में जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र में पड़े रहने को बाध्य होना पड़ता है। भौतिक संसार में हमारा अस्तित्व इस जन्म और पूर्व जन्मों की नानावादिक कार्मिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। मानव शरीर एकमात्र बचाव का मार्ग है जिससे भौतिकता में बंधा हुआ आत्मा बच निकल सकता है। मानव रूप का समुचित उपयोग करके जीवन की सभी समस्याओं जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान किया जा सकता है और पुनर्जन्म का अंतिम चक्र तोड़ा जा सकता है। किंतु यदि आत्मा मानव धरातल तक करके केवल इंद्रिय सुखों के कार्यकल्पों में व्यस्त रहकर जीवन को नष्ट करता है तो वह इसी वर्तमान जीवन में आसानी से इतने कर्म संचित कर लेता है कि वह आगामी सहस्र वर्षों तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहे और पता नहीं कि ये सभी मनुष्य के रूप में हो। भगवान कृष्ण कहते हैं मूर्ख लोग ये नहीं समझ सकते कि जीवात्मा शरीर से कैसे छुटकारा पा सकता है, ना ही वह ये समझ पाते कि प्रकृति के गुणों से सम्मोहित रहकर वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। परंतु वह जिसकी आंखें ज्ञान में दल हो चुकी है ये सब देख सकता है। अभ्यास करने वाले अध्यात्मवादी जो आज साक्षात्कार में स्थित है ये सब स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु जिनमें मन का विकास नहीं हुआ है और जो आज साक्षात्कार में स्थित नहीं है वे जो कुछ घट रहा है उसके प्रयास करने पर भी देख नहीं सकते। मानव शरीर के को प्राप्त भाग्यशाली आत्मा के लिए उचित है कि पुनर्जन्म के सिद्धांतों को समझने के लिए और जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति से मुक्त होने के लिए आज साक्षात्कार के प्रति गंभीरता से प्रयत्न करें। ऐसा ना करना हमारे लिए श्रेयकर नहीं है। तो आपने भगवद्गीता का लगभग सारे सेकेंड चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है तो आप देख रहे होंगे कि सेकेंड चैप्टर लगभग पूरा ही इसमें एक्सप्लेन किया गया है ना। और इसको पढ़ने से हमें क्लियर हो गया कि आत्मा जो है किस तरह से देहांतरण करता है। ये केवल कहा नहीं जा रहा है बल्कि इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा रहा है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आकाश में बादल आ जाते हैं और सूरज को पूरी तरह ढक देते हैं, है ना। तो ये नहीं कहा जा सकते सूर्य का प्रकाश तो रहता ही है ना, सूरज नहीं दिख रहा है ना, तो प्रकाश को देख के कहा जा सकता है कि सूरज कहाँ पे है, आकाश में। आकाश इसी तरह से आत्मा तो बहुत सूक्ष्म होती है,
तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसको चेतना के द्वारा शरीर में महसूस किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किस एक मृत शरीर है और एक जीवित शरीर है, दोनों में अंतर होता है। मृत शरीर में अगर आप उस पर गर्म पानी डाल दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए, उसको पिंच बो दीजिए, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जिसके जिस शरीर में आत्मा है वो रिएक्शन करेगी, आप उसमें एक थप्पड़ मारिए आपको दो थप्पड़ मारेगा, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चेतना के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा हम आत्मा को समझ सकते हैं कि आत्मा होती है और आत्मा का जन्म भी होता है। तो कैसे इसको, कैसे हम समझ सकते हैं कि पहले भी हमारा जन्म था, अभी भी है और नहीं भी रहेगा। भगवान ने भगवद गीता में जैसे कहा अर्जुन को, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो युद्ध भूमि होती है, जब वॉर पर गया रहता है कोई व्यक्ति, तो वहां पे भगवद गीता का जो नॉलेज होता है वो बहुत ही ज्यादा निर्णायक होता है, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति, वो सोल्जर जो है, वो मृत्यु और जन्म को फेस कर रहा है ना, फेस करेगा। तो वहां पे जो भगवद गीता का नॉलेज है, जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो या किसी का शरीर त्याग हो रहा हो, उस समय अगर आप उसको भगवद गीता का नॉलेज समझाइए तो वो बहुत समझ में आता है और आत्मा को बहुत हल्का भी फील कराता है। वो भगवान का भगवद गीता का नॉलेज आप पढ़िए, उसमें सीधे सीधे बताई गई है कि ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे, तुम मैं भी था और तुम भी थे, वो और रहोगे। तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भगवान और जीव दोनों थे, हैं और रहेंगे, इसकी पुष्टि भगवान ने की। और उसके बाद भगवान ने ये बताया कि कई लोग जो है आत्मा के सारे तथ्यों को दे देने के बाद भी उसको आश्चर्य, अमेजिंग रूप में लेते हैं कि अच्छा, मेरे अंदर जैसी आत्मा है जितनी छोटी है, बाल के अग्रभाग के 1000वें हिस्से के बराबर है, तो चींटी में भी यही आत्मा है, छिपकली में भी यही आत्मा है, इतनी बड़ी वेन मछली में भी वही छोटी सी आत्मा काम करती है, इतने बड़े हाथी में भी वही आत्मा है। मतलब हमारे आसपास जितना भी, जितने भी जीव है उन सब में ये आत्मा है, वही आत्मा है। इस पेड़ में, वनस्पतियों में, कॉकरोच में, फ्रॉग में, चिड़िया में, मतलब हर चीज में यही आत्मा है, उनको बहुत अमेजिंग लगता है। तो जितने बुद्धिमान लोग रहते हैं वो भगवद गीता के सिद्धांतों को मानते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल भगवद गीता का सिद्धांत ऐसा नहीं कि इसको बर्बली बोला जा रहा है, बल्कि आप इसको बहुत आराम से फील कर सकते हैं। कैसे, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जना तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यते। 2.14 श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य का जो शरीर होता है ना, ये डिफरेंस फ्रेजेस से होके गुजरता है। जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उस बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, फिर ये शरीर त्याग का समय हो जाता है। और जिस तरह से ये बाकी फ्रेजेस में ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते, उसी तरह जब शरीर त्याग यानी मृत्यु का समय आता है तब भी वो भ्रमित नहीं होते, धीरे बनाए रखते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एज आत्मा मैं हमेशा हूं, रहूंगा, मेरा परिवर्तन हो रहा है तो वो है मेरा शरीर, लेकिन मैं हमेशा एग्जिस्ट करता रहूंगा। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ होती है, साइंटिस्ट भी ये बात प्रूफ करते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद करें कि एवरी 7 ईयर में सेल्स जो हैं वो डाई होते हैं और नए सेल्स जन्म होता है ना। इसमें एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि बचपन में जो हमारा शरीर था, सारे सेल चेंज हो गए 7 साल में, फिर हम किशोरावस्था में हैं, हमारी वो बॉडी और ये किशोरावस्था की बॉडी, आप बचपन की अपनी 5-6 साल की फोटो देखिए और अभी 15-20 साल की आप फोटो देखिए, क्या आप वही व्यक्ति हैं आस्था? नहीं माता जी, बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम कोई कह नहीं सकता कि आप वही थे बचपन के। यस माता जी, हाइट भी बढ़ जाती है। यस यशिका जी, माता जी बिल्कुल चेंज, बिल्कुल चेंज है, जैसे लगता है कोई दो पर्सन है। तो जिस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं, तो ये इसी शरीर में चेंजेस हो रहे हैं ना, यानी बॉडी चेंज होती है लेकिन जो कॉन्शियसनेस रहती है वो वही रहती है। बचपन में जो कॉन्शियसनेस आपकी थी वही कॉन्शियसनेस आपके किशोरावस्था में है, तभी आप सेम फील कर रहे हैं ना।
यस माता जी, यही सेम चीज आप थोड़े और बूढ़े होंगे तब भी आप वही सेम चीज फील करेंगे। तो यानी क्या शरीर में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन हम हैं, उसी तरह से शरीर त्याग होने पर भी दूसरा शरीर प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? जैसा हम कर्म करते हैं, करते हैं। मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य शरीर के कर्म नहीं करते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरफ भी आहार निद्रा वह मैथु नहीं करते हैं, भगवत साक्षात्कार नहीं करते, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते, उच्चतर कार्य नहीं करते जो मनुष्य जीवन के लिए मिला है। तो हमारा जन्म कहाँ मिलेगा? फिर से उन्हीं पशु योनियों की तरफ, नरक में ही हमें जन्म मिलेगा, ये तय है। और कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। तो भगवद गीता में बताया गया है कि जो कर्म का सिद्धांत है ये वर्क कैसे करता है। कर्म का सिद्धांत मन के मैकेनिज्म पर वर्क करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमारा जो मन है वो जिस तरह से कार्य करता है उस तरह से हमें नया शरीर प्राप्त होता है। यदि हम मन में जिस भाव का चिंतन कर रहे होते शरीर त्यागते समय, उसी भाव के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। ये शरीर देहांतरण का 7th chapter में भगवद गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से 7th-8th chapter में एक्सप्लेन किया। यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव पापिता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयेत् च मय अर्पित मनर्बुद्धि मामे वैश्यस्य सन्। भगवान वहां पे समझाते हैं कि जिस जिस भाव को रखते हुए तुम शरीर का त्याग करोगे, जब तुम्हारे शरीर का त्याग हो रहा है तो जो भाव तुम्हारे अंदर रहेंगे वही भाव तुम्हारे अगले शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए हम जो एक्शन अभी कर रहे हैं, यदि हम पशुवत जी रहे हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है कि अगर हम कुत्ते का पालन कर रहे हैं तो दिन भर हम कुत्ते का पालन कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट शरीर कौन सा बनने वाला है? कुत्ते का। कुत्ते का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे हो, दिन भर उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी सारी आसक्ति भी उसी के साथ, समझ में आ रहा है? yes, और यदि हम चिंतन जी DOG डॉग होता है, डॉग को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या होता है आस्था? गॉड, GOD, GOD गॉड। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस रखते हैं, भगवान को भोग लगाना, भक्ति करना, मंदिर जाना, जप करना, भगवान के बारे में कथाएं सुनना, भक्तों का संग करना, अगर हम ये करते हैं, हमारी मेमोरी में ये बात रहती है तो हमारा क्या जन्म होगा माता जी? तो फिर हम सीधा भगवत धाम, भगवत धाम जिस तरह का जन्म करेंगे, जिस तरह की इच्छाएं करेंगे उस तरह का नया बॉडी मिलेगा, यही तो सिद्धांत है ना? यस माता जी। तो फिर हम क्या होगा? क्योंकि जो काम हम करते हैं वही हमारी मेमोरी में रहता है। क्यों यशिका? ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। माता जी ठीक है ना? अंबिका बात समझ में आ रही बेटा? हाँ जी माता जी, समझ में आ रही ना? तो हम जो चीज कर रहे हैं, रोज पालन कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पहले ये पता हो कि तमोगुणी चीजें क्या हैं, सत्वगुणी चीजें क्या हैं और रजोगुणी चीजें क्या हैं। तो हमें भगवद गीता के अनुसार पता होना चाहिए रजोगुणी आहार क्या होता है, तपस्या क्या होती है, दान क्या होता है, संग क्या होता है, जानवर क्या होता है, रंग क्या, प्रकृति में जितनी चीजें हैं ये 3 गुणों में बटी हुई है। यदि हम रजोगुण और तमोगुण का पालन करते हैं, जैसे अभी इसमें डॉग का एग्जाम्पल दिया, तो डॉग जो आता है ये तमोगुणी जानवर, गाय जो है ये सत्वगुणी जानवर और शेर जो है ये रजोगुणी जानवर। क्लियर हुआ? तो हम जिसका संग करते हैं, जिसका पालन करते हैं, जिसकी सेवा करेंगे हम उधर जाएंगे। अगर हम रजोगुणी आहार, एनिमल हो गया रजोगुणी आहार, फूड स्टाइल, अगर हम रजोगुणी खाना खाते हैं, जैसे शराब है, मीट है, सड़ा हुआ खाना है, ये सब जो हम खाते हैं फर्मेंटेशन वाले, तो जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये सब तमोगुणी खाना है ना? क्योंकि ब्रेड 2 दिन का बना होता है, 4 दिन का बना होता है ना, चीज कहीं कई दिनों का बना होता है, तो ये सब जो खाना होता है, शराब होती है, मीट होता है, ये सब खाना कैसा होता है? तमोगुणी खाना होता है। कैसा खाना होता है?
तमोगुणी तमोगुणी अच्छा रजोगुणी खाना चीज तमोगुणी होता है बटर इज गुड बटर इज सतोगुणी घी इज सतोगुणी लेकिन चीज इज तमोगुणी उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है कभी आप चीज देखेंगे सो आप देख रहे हैं रजोगुणी खाना कैसा होता है बहुत तेल मिर्च मसाला खट्टा तीखा जैसे चाइनीज फूड थाई फूड्स है ना ये सब खाने कैसे होते हैं चाउमीन मंचूरियन है ना और आपके मूज मूज काफी लोग पीते हैं शरबत की जगह देखेंगे मूज पीते हैं अभी फ्रेश जूसेस नहीं बनाते हैं हम फ्रिज में रख के ही हम सारे जूसेस पीते हैं yes, मार्केट से पाइनएप्पल जूस ये जूस वो जूस है ना केक बनाएंगे उस पर क्रीम खूब लगाएंगे एक्सेस क्रीम तो ये सब रजोगुणी खाना है केक वगैरह सब रजोगुणी खाना माता जी घर पे बना हुआ घर पे बना हुआ ठीक है लेकिन प्रोसेस जो होता है केक का वो सारा फ्रेगमेंटेशन पर ही बेस्ड होता है अगर आप क्रीम नहीं लगा रहे हो तब तो ठीक है बेक कर रहे हो फल लेकिन अगर क्रीम वगैरह यूज करते हो तो क्रीम जो होता है उसमें प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है वो तो माता जी बाहर होता है कुछ लोग तो घर पे क्रीम बनाते हैं हाँ जो घर पे क्रीम बनाते हैं तब तो ठीक है लेकिन अगर हम मार्केट का यूज करते हैं तो सब प्रिजर्वेटिव होता है माता जी, सब कंडेंस मिल्क ले आएंगे कहने और सुनने में तो बड़ा अच्छा रहता है लेकिन उसको रखा कैसे जाता है कई महीने पहले वो बना हुआ है yes, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है तो वो खाना कैसा होता है रजोगुणी होता है yes, विनेगर ये सब नहीं यूज करना चाहिए उसकी जगह हमें लेमन यूज करना चाहिए तो जितना ये खाना होता है तला हुआ अंबिका समझ में आ रहा है हरे कृष्णा अंबिका कुछ नहीं बोल रहा है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ये सब टेंपल में भी तो यूज करते हैं ये सब चीजें हाँ हम टेंपल में तो यूज करते हैं ये सब चीजें टेंपल में यूज करते हैं लेकिन जहाँ अच्छा टेंपल होता है वहाँ यूज नहीं किया जाता वहाँ पे यूज नहीं किया जाता वहाँ पे अगर बर्गर बनता है तो बन जो है तुरंत बनाया जाता है भगवान के लिए ठीक है ना इस आप समझ रहे मतलब जो हम मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं पता नहीं किसने क्या बनाया है तो और जो सत्वगुणी आहार होता है वो स्निग्ध होता है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ताजा बना होता है स्मेल होती है हेल्दियर होता है और उसमें क्या होता है हेल्थ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है और उसमें बटर देशी घी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा एक दिन आप रिफाइंड या और जो भी ऑयल में आप पूड़ियां बनाते हैं उसमें बनाइए और एक बार आप देशी घी में गाय के देशी घी में पूड़ियां बनाइए आप अंतर देखिएगा जब हम रिफाइंड में या ऐसे तेलों में जो और तेल है यूज करते हैं उसमें पूड़ियां खाओ उससे गला जलता है और भारीपन लगता है लेकिन आप कचौड़ी बनाओ देशी घी में आप 10 कचौड़ियां खा जाओगे पता नहीं चलेगा गला नहीं जलता गाय के देशी घी में तो अंतर होता है तो इसीलिए सत्वगुणी आहार होता है वो गाय के घी से बनाया जाता है सरसों का तेल यूज किया जाता है नारियल तेल यूज किया जाता है और उसमें फ्रेशनेस के यूज किया जाता है और प्राकृतिक साधनों को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है सीधे तो इस तरह से हम जो बातें ये कर रहे थे यहाँ पे वापस आते हैं कि प्रकृति के तीन गुण जो हैं इसमें सारी चीजें तीन गुणों में बटी हुई है रंग से लेके है ना जैसे कि अभी व्हाइट कलर है लाइट कलर है लाइट येलो है लाइट कलर जितने होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं रजोगुणी होते हैं लाल कलर तमोगुणी होता है काला कलर है ना तो इस तरह से हमारे जो हर चीज में चाहे वो पेट ले लीजिए फूड स्टफ ले लीजिए तपस्या ले लीजिए दान ले लीजिए बहुत से लोग दान करते हैं तो बहुत लोग खुद भी शराब पीते हैं और दूसरों को भी शराब दान देते हैं
खुद भी मीट ईटिंग करते हैं, दूसरों को भी मीट ईटिंग कराते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन सोसाइटी बीन ह्यूमन सलमान खान चलाते हैं, तो उसमें बहुत से लोगों को वो उनके घर से खाना बन जाता है, पूरे स्टाफ खाता है, मीट होता है उसमें, फिश होता है। तो ये दान तो करते हैं, लेकिन दान कैसा है, ये तमोगुणी दान है। ये न जो कर रहा है उसके लिए अच्छा होता है, न इसका रिजल्ट अच्छा होता है। रजोगुणी का में क्या होता है, रजोगुणी सतमोगुणी का कोई संग अगर करता है तो उसका अगला जीवन निम्नतर लोकों में होता है और नरक में घोर वास करता है, ये उसका एंड है। रजोगुणी में अगर कोई व्यक्ति सरवाइव करता है, दान देता है, तपस्या करता है, तो रजोगुणी में व्यक्ति जो है वो इसी प्लैनेट पर रहता है, पृथ्वी लोक पर वापस आता है, तो उसको फिर से सुख दुख का सामना करना पड़ता है। और सत्वगुणी में कोई व्यक्ति होता है तो उच्चतर लोकों को जाता है, जैसे कि स्वर्ग है, सत्य लोक है, ऐसे जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनका संग ही हमारी मन में विचार पैदा करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट हम सत्वगुणी हों, लेकिन हमें सत्वगुणी भी नहीं बनना है क्योंकि ये भी भौतिक है, हमें शुद्ध सत्वगुणी बनना है, यानी कृष्ण भक्त बनना है। लेकिन कृष्ण भक्त डायरेक्ट नहीं बना जाएगा क्योंकि वो बहुत एलिवेटेड स्टेज है, इसलिए भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट जीव को सत्वगुणी बनना चाहिए, समझ में ना। सत्वगुणी एटलीस्ट हम चीजों को मिनिमाइज करें और उसको भगवान कृष्ण को ऑफर करें तो वो शुद्ध सत्व में बदल जाएगा, और फिर उसका हम सेवन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, भगवत धाम जाना। क्योंकि हमने पढ़ा कि जैसे माइंड काम करता है, मन की जो दशा होती है उसके हिसाब से हमें भगवान कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम, जिस तरह से स्मरण रहता है हमारा। तो देखो मृत्यु के समय हम किन बातों का स्मरण करेंगे, जो जीवन भर किया है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, यही सोचेंगे ना मरते समय, क्यों यही सोच विचार आता है। तो मान लो हमने रथ यात्रा अटेंड की है, हमको रथ यात्रा का याद आएगा ना, यस माता जी। हमें ये याद आएगा कि हमने भगवान का अभी चंदन यात्रा चल रही है तो भगवान को चंदन लग रहा है, देखिए मैंने कितने फोटोग्राफ भेजे जगन्नाथ जी के, आज मैंने बड़ा अच्छा फोटो शेयर किया है द्वारिका देश गुजरात का, देखिए कितना सुंदर फ्लावर से, कितना छोटे छोटे फ्लावर है, सिंपल फ्लावर, और उनका कितना सुंदर डेकोरेशन है भगवान का, देखा है आप लोगों ने, अंबिका आपने देखा, यशिका आस्था आपने देखा, तो देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है। तो अपने जीवन में यदि हम भक्ति रखते हैं, जैसे अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं, आप इस समय टीवी देख सकते थे, अपना काम कर सकते थे, सो सकते थे, है ना, लेकिन आप लोग ने सेक्रीफाइस किया और प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के लिए, क्योंकि जनरली बोरिंग लगने लगता है इतने लंबा टाइम तक अगर कोई लेता है तो लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से उत्साह से पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रंथ की बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो जब हम मृत्यु के समय ये सब बातें अगर रहेंगी तो आपको प्रभुपाद भगवत धाम वापस लेके चले जाएंगे। तो ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी हमें समझना चाहिए कि भगवान यदि कोई बात कह रहे हैं तो वो कालातीत ज्ञान होता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान देता है तो वो काल से प्रभावित रहता है। मान लो कोई भी व्यक्ति, जैसे सुकरात है या प्लेटो आपने पढ़ा, इन्होंने जो थ्योरी दी वो उस काल के लिए तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद नहीं ठीक होगी। लेकिन भगवान कोई ज्ञान देते हैं तो कालातीत, मतलब कोई भी काल हो हमेशा ही ट्रुथफुल रहता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा हम शरीर नहीं आत्मा है, पृथ्वी पर जो भी जीव है वो शरीर नहीं आत्मा है, तो ये कालातीत ज्ञान है ना, क्या हमेशा रहेगा ना ये बात, ये बात है जी, कि प्लैनेट पर, पृथ्वी पर, जब कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई रहेगा तो शरीर और आत्मा का भेद रहेगा जीव में, है ना। तो भगवान का नॉलेज कालातीत ज्ञान ये समझना चाहिए। तो लास्ट में भगवान कहते हैं जो मूर्ख लोग रहते हैं वो भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं करते, मूर्ख लोग नहीं समझ सकते कि जीवात्मा इस शरीर से कैसे छुटकारा पा सकते। जब उनको नहीं समझ में आता है तब वो क्या करते हैं, प्रकृति के गुणों से मोहित रहते हैं, यही रजोगुण में ही रहते हैं, यही कुत्ते बिल्ली पालते रहते हैं, शराब और मीट ईटिंग करते रहते हैं, वो नहीं सुनते, वो माला भी नहीं करते, तो उनका क्या होता है, गति क्या होती है, वो गति बेकार।
इसलिए क्या कर रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभ्यास करने वाले जो आध्यात्मवादी होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार में स्थित होते हैं, वो स्पष्ट देख सकते हैं कि उनके मन का विकास होता है। जब मैं निम्नतर चीजें देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन जब अच्छी चीजें करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को अच्छी चीजें ही अच्छी लगती है, और मानव शरीर को प्राप्त भाग्यशाली आत्मा के लिए उचित है कि वो पुनर्जनन के सिद्धांत को समझे। उसको पता होना चाहिए कि इसके पहले भी उसने कितने कष्ट देखे हैं, आगे भी कष्ट हो रहे हैं। जैसे अभी आस्था माता जी है, उनका ब्रदर है गोविंद, रिसेंटली कितना दुख भोग रहा है। निशिका माता जी है, उनकी मदर है, उनकी तबीयत खराब है ना। तो अंबिका है, उनकी उनकी मदर है, उनकी तबीयत खराब रहती है। मैं सही बोल रही हूँ? यस माता जी, मैं खुद हूँ, मैं खुद सफर कर रही हूँ, मेरे पैर में रॉड लगी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि हम कितना दुख उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे कि हम दुखों से मुक्त कैसे हैं, ये नहीं सोच रहे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं परमानेंट इलाज करूं अपना, और वो क्या करता है, आत्म साक्षात्कार के प्रति गंभीर प्रयत्न करता है, और ऐसा न करने के लिए शेषकर नहीं तो क्या करता है, भगवान के बताए गए हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हर परिस्थिति में इस महामंत्र को चैंट करने की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके दुख में भी चैंटिंग कर पाते हैं। आस्था आप बताइए, ऐसा है? यस माता जी, चैंटिंग चल रही है रेगुलरली। ऋषिका आप बताइए, दुख में चैंटिंग कर पाते हैं यदि आप प्रैक्टिस कर रखते हैं चैंटिंग का? जी माता जी। अंबिका आप बताइए? हां जी माता जी, कर पाते हो ना चैंटिंग? नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर आप रेगुलर नहीं करिए और आप कहिए दुख में अपने आप याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम रेगुलर कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो वो श्रेष्ठकर है। क्यों श्रेष्ठकर है? क्योंकि हमें समझना होगा कि हम अपने पुनर्जन्म के सिद्धांत को ठीक से समझें और यहाँ के दुखों से हम निकले। हम यही अपनी आसक्ति न डेवलप करें, हम अपनी आसक्ति कृष्णा से डेवलप करें, है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने ये पूरा साइंस समझा। मैं इसमें आज क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगी क्योंकि बहुत लंबा था, तो इसलिए मैंने इसमें से क्विज आज नहीं लिया, लेकिन अगले चैप्टर से आपका क्विज रहेगा। तो इसको एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने री इंकार्नेशन की जो थ्योरी है, इसको हमने पूरे वर्ल्ड वाइल्ड देखा कि क्या पुनर्जन्म होता है। तो हमने देखा कि एंशियंट में सारे विश्व में लोग मानते थे, बीच में लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन गुप्त रूप से बना रहा। लेकिन फिर जब मॉडर्न एज आया तो अगेन सारे स्कॉलर, वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी मेन लोग थे, उन लोगों ने ये स्वीकार किया कि पुनर्जन्म होता है। यानी 1.5 बिलियन अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड लोग बिलीव करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होता है तो आत्मा को मानना पड़ेगा, और हम आत्मा को मानेंगे तो परमात्मा को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भगवद गीता में जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि पुनर्जन्म क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, और ये किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यस बात है। तो यशिका आप बताइए कि पुनर्जन्म किस बात पर निर्भर करता है? मन, आखिरी क्षण में मन की जो स्थिति होगी उसके ऊपर हमारा अगला जन्म डिपेंड करता है। आस्था आप बताइए कि हमारा जो री इंकार्नेशन होता है, तो मनुष्य शरीर से पशु शरीर में जाया जाता है कि पशु शरीर से मनुष्य शरीर में आता है, क्या कहा गया है? माता जी, दोनों तरीके से हो सकता है। ये सब हमारे कर्मों के ऊपर होता है कि हम अगर मनुष्य शरीर में हम जैसा अगर रजोगुणी तमोगुणी काम करेंगे तो हम अपनी योनि, हम नीचे वाली योनियों में आ जाएंगे, निम्न योनि में आ जाएंगे। पर हम अगर हम थोड़ा मतलब नॉर्मल तपस्या करेंगे तो हम वापस से इसी पृथ्वी में जन्म लेंगे। पर अगर हम भगवान धाम का श्री कृष्ण का हम बार बार अपना ध्यान करते रहेंगे तो हम सीधा अपने भगवत धाम चले जाएंगे। तो वेरी नाइस, ये सोचते हैं ऐसे अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हम उस तरीके से हम पशु या फिर मनुष्य का जीवन लेते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। मतलब मनुष्य से भी हम पशु में आ सकते हैं, पशु से मनुष्य में आ सकते हैं, ठीक है ना। ये संविका
अंबिका हाँ, तो लास्ट में, लास्ट में भगवद गीता में पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताने के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया गया कि आप ये समझा सकते हैं कि शरीर में जो होता है वो परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं? माता जी को ये जैसे श्री प्रभुपाद ने बताया था कि हर 7 साल में हमारे जो सेल्स हैं वो yes. होते हैं और हम वैसे नहीं रहते हैं, तो इसी तरीके से हमारा शरीर का भी बताया गया है कि ये मतलब इससे भी जरा और व्याधि आती है, वो धीरे धीरे जैसा शरीर होता है वैसा रहता नहीं है, पर जो आत्मा रहती है वो सेम रहती है और फिर इस शरीर को छोड़ करके वो दूसरे प्रवेश कर जाती है, वो भी डिपेंड करता है अगर हमने जिंदगी मतलब लाइफ टाइम अगर हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराया है तो हम लास्ट टाइम पे भगवत धाम जाएंगे, पर अदरवाइज हमने अगर नहीं करा है तो फिर उस टाइम पे जिस चीज को सोच रहे होंगे हम उस मंदिर में चले जाएंगे। वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को थोड़ा प्रभुपाद की कृपा से समझा पाई। अभी आपको थ्योरी क्लियर है सुकरात से लेके स्लैंगलर, स्लैंगलर मॉडर्न है और सोक्रेटिस जो है वो एंशियंट है, तो वहां से लेकर वहां तक का मॉडर्न तक का सफर तय किया गया। अच्छा, आप लोगों ने ये पूरी थ्योरी पढ़ी उसके बाद आपने भगवद गीता पढ़ा, आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी बेस्ट है? माता जी भगवद गीता बेस्ट इसलिए है क्योंकि बाकी सब जो थ्योरीज है वो आधी अधूरी हैं और पूरा ज्ञान कंप्लीट नहीं है कि जिससे किसी भी हम अज्ञान व्यक्ति को समझाए तो वो समझ सके। भगवद गीता में पूरा जो एक पूरा अध्याय इसको समर्पित किया गया है चैप्टर 2 और बाकी आगे चैप्टर्स में भी है 8 और 9 में, तो वो एक हम बिल्कुल प्रामाणिक रूप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पुनर्जन्म के बारे में, तो ये तो इसलिए माता जी भगवद गीता को इसलिए हमें रेफर करना चाहिए और उसको स्टडी करके हमें आगे समझाना चाहिए। ओके, यस यशिका, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी फिलॉसफी आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगी? माता जी भगवद गीता एक ऐसी, जैसे आपने बताया कि जो ज्ञान है बाकी का दिया हुआ वो कुछ समय के लिए है, कालातीत है, मतलब कुछ काल के लिए है, तो लेकिन जो भगवद गीता की फिलॉसफी है वो हमेशा ही अवेलेबल है। कालातीत ज्ञान, यस अमेरिका, व्हिच थ्योरी यू थिंक, कोई ईसाई यहूदी आपने पढ़ा, इस्लाम पढ़ा? तो बिल्कुल सही, तो उनका जो कहीं ना कहीं देख रहा है वो भगवद गीता ही रहे या फिर हमारे शिक्षक से बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। तो क्योंकि देखो हम इंडियन हैं और हमें सीधे भगवद गीता मिल गई इसलिए हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते। आपका जन्म यदि कहीं विदेश में हुआ होता और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो कर रहे होते तो आप सब ने रिट्रीट अटेंड कर रहे थे कल, है ना, कल कृष्ण रूप माता जी तो श्री कृपाल डिसाइपल है, वो कितनी छोटी छोटी चीजों को कितना एक्साइटमेंट में ले रही थी। Yes, माता जी जो अपनी रियलाइजेशन वो बता रही थी श्री प्रभुपाद के साथ कि एक बार जब ब्रह्मचारी के रूप में उनको बोला गया कि आप भागवतम का क्लास लीजिए, तो एक ब्रह्मचारी ने उनको कहा कि मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन इनकी क्लास नहीं करूंगा, तो उन्होंने क्लास नहीं दी, है ना। फिर एक एक बात उन्होंने समझाई कि क्या जो वुमेन होती हैं उनका जो मस्तिष्क होता है वो कम होता है, तो उन्होंने कहा यस ये सब साइंटिफिकली भी प्रूफ है और श्री प्रभुपाद भी कहते थे क्योंकि औरत जो है वो भोग्या के रूप में देखी जाती है और इस सेंस में प्रभुपाद कहते थे कि जो मन जो जो कि वो भोग्या है उनका यूज किया जा सकता है और मैन माइंड इसमें बहुत एक्सपर्ट होता है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि वो लेस इंटेलिजेंट होती है इसलिए उन्हें एक अच्छे संरक्षण में रखना चाहिए, स्त्रियों को इसलिए संरक्षण में रखना चाहिए। तो देखिए उन्होंने कितना सुंदर, जबकि विदेश में वो पली बड़ी हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग तो शुरू से ही ऐसे रहे हैं, है ना, लेकिन आप देखिए वो विदेश में भी रह के उनके अंदर कितना सेक्रीफाइस और कितना नॉलेज है और कितनी कितना उनको, अभी विदेशी लेडीज को आप बोल के देखिए
वो तुरंत लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि मतलब जो लेस इंटेलिजेंट है या कुछ ऐसा वर्ड उनको कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिलोसफी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया भी कि ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद कुछ हमें कहते थे, फिर उन्होंने कई इंसिडेंट्स भी बताए जिसमें श्रील प्रभुपाद ने अप्रिशिएट किया। एक बार लेटर में उन्होंने बताया कि लिखा कि अगर आप भगवत धाम जा सकते हैं अगर आपने हमारी ब्रह्मचारी माताओं को प्रणाम किया तो, है ना। और प्रभुपाद ने हमेशा कहा है कि जब कोई नॉर्मल वुमन की बात करता है तब होता है, लेकिन अगर कोई वैष्णवी की बात करता है तो वहां लेस इंटेलिजेंट की बात नहीं आती है। मेरा मूवमेंट, प्रभुपाद ने लिखा था कि मेरे मूवमेंट में बहुत से वैष्णवी हैं जिनके कारण ये मूवमेंट सरवाइव कर रहा है। दे आर वेरी गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीटी वर्शिप करती हैं, बहुत कुछ केयर करती हैं, तो इसलिए वैष्णवी जो हैं वो उनको इन कैटेगरी में नहीं रखा जाता। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। एक बार वो डीटी वर्शिप कर रही थी पीछे, तो प्रभुपाद गए। प्रभुपाद ने जब उन लोगों को इतना सुंदर ढंग से प्रसाद बनाते, भोग बनाते, ड्रेस बनाते भगवान का देखा, तो जाते जाते उन्होंने क्या कहा प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग ही वैकुंठ जाओगे। तो ऐसा नहीं था कि श्री प्रभुपाद कोई वो करते, प्रभुपाद का ये कहना था कि लेडीज को संरक्षण में रहना चाहिए। ये सिद्धांत बताने की कोशिश की, क्योंकि लेडीज संरक्षण में रहने से उनकी प्योरिटी बनी रहती। इस तरह से जब मैं सोच देख रही थी कि उनके अंदर जो ये भारतीय नारी का जो एक भाव था वो उनके अंदर कितना सुंदर ढंग से इम्बाइब था, मैं ये देख रही थी। यस मैम, मैंने भी अटेंड किया था, तो वो इतने फोटोज का अपना कलेक्शन ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी, एक एक फोटो के पीछे मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आप लोगों को भी अपने गुरु महाराज से या होने वाले गुरु महाराज से प्रेम होना चाहिए। आप कोई इंसिडेंट फोटो खींचिए।